हॅलो स्टूडेंट्स कसे हो बेटा मजे बे कशा आत मजेत मजेत असलंच पाहिजे बेटा आणि सगळ्यात महत्वाचा अभ्यास केलंच पाहिजे सो वेलकम टू द अभियान बॅच लेक्चर आज आपण पाहणार आहोत फोर्थ लेक्चर ऑफ मोशन इन प्लेन आतापर्यंत आपण याचे तीन लेक्चर पाहिलेले आहेत ले, ज्याच्यामध्ये आपण बेसिक गोष्टी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सो so, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले बेटा तो देखना आज हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे सर्कुलर मोशन और उसके टाइप्स सिंपल है ज्यादा डिटेलिंग हम यहाँ पे करने वाले है नहीं जितना आपने टेक्स्ट बुक में दिया गया है उस, उसके हिसाब से हम चलने वाले ओके okay? तो सबसे पहला रहेगा सर्कुलर मोशन एंड इट्स टाइप्स देन वॉट आर द डिफरेंट टर्म्स और टर्मिनलॉजीज यूज इन द सर्कुलर मोशन सर्क्युलर मोशन में हम कौन से कौन से टर्म्स यूज करने वाले उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे ओके okay?

तो देखना बेटा सर्कुलर मोशन एंड इट्स टाइप्स तो बेटा सर्क्यूलर मोशन क्या होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल घूमने की कोशिश करे तो उसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन ठीक वॉट इज सर्कुलर मोशन इफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सर्क्यूलर पाथ मूव अलोंग द सर्क्यूलर पाथ या फिर मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं अलॉन्ग देरीमीटर ऑफ द सर्कल अलोंग द पेरीमीटर ठीक है मूव अलोंग द सर्क्यूलर पाथ उसे कहा जाएगा सर्क्युलर मोशन याद रखना अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमने की कोशिश करे तो उसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन तो मेरे पास बेटा देखना दो टाइप से सर्कुलर मोशन के तो पहला टाइप रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा टाइप रहेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है दूसरा टाइप रहेगा यहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या तो देखना यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से घूमने की कोशिश कर रहा है ठीक है और उसका अगर स्पीड कांस्टेंट हो अगर इस सर्कल में वो घूमने की कोशिश कर रहा है और उसके पास जो भी स्पीड रहेगा अगर वो कांस्टेंट हो स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो यहां पे एक चीज याद रखना अगर मुझे इस सर्कल के ऊपर अलग अलग पॉइंट के ऊपर अगर लीनियर वेलोसिटी या फिर स्पीड के बारे में मुझे कुछ कमेंट करना है ठीक है तो समझ लेना मैं यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट मार्क कर रहा हूं ठीक है हम चार पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी ठीक तो देखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा स्पीड कांस्टेंट होती है मैं यहां पे स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं स्पीड कांस्टेंट अब स्पीड देखना स्पीड देखा जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी है मैं यहां पे वेलोसिटी के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि देखना अगर मैं अलग अलग पॉइंट पे यहां पे अज्यूम करना कि पार्टिकल मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ठीक है पार्टिकल मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है मैंने चार अलग अलग इंस्टेंट कंसिडर किए हैं या फिर चार अलग अलग पॉइंट कंसिडर किए अब मुझे यहां पर उनके स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है तो देखना हर एक पॉइंट पे अगर मैं स्पीड देखूं, हर एक पॉइंट पे अगर मैं स्पीड देखूं बेटा तो स्पीड मेरा कांस्टेंट रहेगा स्पीड मेरा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ठीक है तो यहां पे देखना मस्ट 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 बी 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 इक्वल 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 टू 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 ठीक है तो ये क्या होगा स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन व्हाट अबाउट द वेलोसिटी अगर मैं यहां पे वेलोसिटी वेक्टर लिखने की कोशिश करूं तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल नहीं होंगे क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग होते क्योंकि वेलोसिटी में देखा जाए तो मैग्नीट्यूड भी रहेगा वेलोसिटी में डायरेक्शन भी रहेगा ठीक है समझ में आ रहा है वेलोसिटी 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 में में मैग्नीट्यूड भी भी रहेगा में भी रहेगा डायरेक्शन डायरेक्शन तो यहाँ पे देखना हर एक पॉइंट के ऊपर का अलग अलग है और ये जो डायरेक्शन है ना बेटा तो हम टेंजेंट का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं एट पॉइंट ए द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखा जाए तो ये अपर डायरेक्शन में चल रहा है ठीक जो हमें दिख रहा है उसी के ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं पॉइंट बी पे देखना वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट है पॉइंट सी के ऊपर देखना वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और पॉइंट डी के ऊपर देखना वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरा कुछ राइट right डायरेक्शन में ठीक है समझ में आ रहा है तो स्पीड देखना यहां पे वेक्टर मैंने लिखे है ये जो है आप लोग देख सकते हो बेटा ये वेक्टर मैंने लिखे है वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर सी लेकिन लेकिन देखना मैं इनको लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 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 ऑफ 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 वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर बी इज इज इक्वल इक्वल टू टू सी वेलोसिटी वेक्टर डी बेटा ये जो मैग्नीट्यूड है ना इसी मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जाता है समझ में आ रहा है तो सर्क्यूलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन में देखना हर एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी अलग है लेकिन स्पीड मेरा कौन कांस्टेंट है अगर वेलोसिटी अलग है तो इसका एक्सेलरेशन होगा इसीलिए इसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन सर्कुलर मोशन को हम कहेंगे बेटा एक्सेलरेटेड मोशन क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है जिसके वजह से मुझे एक्सेलरेशन अलग-अलग जगह पे अलग-अलग मिलेगा ठीक है मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन मेरा अलग-अलग हो सकता है एक्सेलरेशन का ठीक तो ये होता है मेरा एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब हम यहां पे बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो यहाँ पे स्पीड भी अलग डायरेक्शन भी अलग ठीक है स्पीड भी अलग स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज ही हो रहा है मेरा हमेशा ठीक है स्पीड यहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कोई स्टोन uh, किसी स्ट्रिंग को ऐसे बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमा ठीक है तो यहां पे देखना ये जो रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये हम ट्वेल्थ में रोटेशनल डायनामिक्स में डिटेल में सीखने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी हम इलेवेंथ में क्या सीखेंगे बेटा तो अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे ठीक तो ये थे मेरे सर्कुलर मोशन और उसके टाइप्स आगे बढ़ते हैं। ट आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सर्क्यूलर मोशन सबसे पहले हम उसे एनलिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम कौन से कौन से टर्म्स सीखने की कोशिश करेंगे इसमें या फिर समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला रहेगा बेटा रेडियस वेक्टर ठीक है सबसे पहला रहेगा रेडियस वेक्टर उसके बाद रहेगा एंगुलर पोजीशन, ठीक है उसके बाद रहेगा एंगुलर पोजिशन फिर रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर रहेगा एंगुलर वेलोसिटी, फिर रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीजें ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन मोशन के साथ एनालॉगस में हम हम रेडियस वेक्टर नहीं कहते थे हम उसे कहते थे, देते थे. उसी तरह से मैं में उसके देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज एनालॉगस टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओके सिर्फ ये एंगल में रहेगा उसके बाद रहेगा एंगुलर वेलोसिटी उसके बाद रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन तो ये जो सारी चीजें हैं वो एनालॉगस है जो हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बाद रहेगा टाइम पीरियड जो थोड़ा सा नया लग सकता है आप लोगों को और दूसरा रहेगा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये टोटल एम छह से सात टर्म्स सीखने की कोशिश करें अब हम उसे वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला रहेगा रेडियस वेक्टर तो यहाँ पे आप लोगों को एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा तो देखना बेटा इनिशियली ये जो रेडियस वेक्टर है रेडियस वेक्टर मतलब सर्कल की रेडियस और इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो मेरे पास रेडियस वेक्टर है ये क्या है बेटा मेरे पास रेडियस वेक्टर है ठीक है तो क्या है देखना बेने पार्टिकल मूव ऑन अ सर्क्यूलर पाथ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर इज फिक्स एंड इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज टेकन एज ओरिजिन तो हम क्या करने वाले बेटा सर्कल के सेंटर को ओरिजिन कंसीडर करेंगे और एक वेक्टर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द सेंटर टूअर्ड्स द पार्टिकल एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियस वेक्टर तो यहां पे पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ए पे है तो मैंने क्या कर लिया ओ से ए तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया यहां पे टेल रहेगा यहां पे हेड रहेगा तो ये बन रहा है मेरा रेडियस वेक्टर ओके ठीक और इसका डायरेक्शन देखना इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल तो सेंटर से ये दूर जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इसका मैग्नीट्यूड बेटा जितना सर्कल का रेडियस है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड रहेगा ओके ठीक तो तो ये था अपना रेडियस वेक्टर तो एक चीज चीज पे ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटर है सर्कल का जो सेंटर है हम उसे ओरिजिन कंसिडर करने वाले है. अगर ये ओरिजिन हो रहा है बेटा तो कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा अपना या फिर एक्स और वाई एक्सिस बनेगा ओके ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट है एंगुलर पोजिशन तो एंगुलर पोजिशन क्या है यहां पर देखना आप लोग यहां पर देख सकते हो कि पार्टिकल जो है सर्कल ऑफ रेडियस यहां पे देख सकते हो रेडियस आर है ओके द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट मे बी डिस्क्राइब बाय द एंगल थीटा बिटवीन ओपी एंड ओ तो डायग्राम में देखना ओपी कहां पे है ठीक तो देखना ये जो दिखाई दे रहा है यहां से यहां से ठीक तो आप लोग देख सकते हो ओ पी और ओ एक्स के बीच में एक एंगल बन रहा है ठीक तो उसे कहा जाता है बेटा एंगुलर पोजिशन उसे कहा जाता है एंगुलर पोजिशन हम यहां पे इसको रेफरेंस लेने वाले इस रेफरेंस के साथ पार्टिकल पी कितना एंगल बना रहा है तो वो हो जाएगा उसका एंगुलर पोजीशन समझ में आ रहा है ये रहेगा अपना रेफरेंस मतलब ये एक्स और वाई एक्स जैसे अभी हमने बोला था कि हम सेंटर को ओरिजिन कंसीडर करने वाले हैं और जो भी मेजरमेंट रहेगा अपना अब इस ओरिजिन से होने वाला है तो देखना इनिशियली अगर पार्टिकल पी यहां पे था कुछ देर के बाद वो यहां तक आया है तो इसका मतलब उसने कुछ एंगुलर पोजिशन ठीक है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ जो मैंने बोला एंगुलर पोजिशन हमने एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल पी को यहां पे लिया

कितना टाइम इंटरवल है बेटा अपने पास इतू इतू से इत्तु से टाइम टाइम इंटरवल इंटरवल में वो पार्टिकल चल दिया आगे पी से पी डैश तक चल दिया ठीक है अगर ये पी से से तक जा रहा है इन इतू टाइम इंटरवल अगर ये पी से पी डैश तक जा रहा है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं इसका नया एंगुलर पोजीशन, इसका नया एंगुलर पोजीशन, देखना अब मैं ओरिजिन से मेजर करने की कोशिश करूंगा इसका नया एंगुलर पोजिशन कितना रहेगा बेटा तो नया एंगुलर पोजिशन रहेगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा थीटा प्लस डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा क्या है तो ये चेंज है ओके तो ये चेंज है समझ लेना यहां पे अगर ये समझ में नहीं आया तो हम इसे सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं और ठीक तो देखना ये तो थीटा है मैं इसको थीटा वन मार्क कर देता हूं अब देखना कुछ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी हमने कंसिडर किया था तब पार्टिकल देखना P से P आज तक गया, गया है लेकिन हम मेजरमेंट कहा से कर रहे हैं बेटा हम मेजरमेंट कर रहे हैं O से हम कहा से कर रहे हैं मेजरमेंट O से या फिर रेफरेंस एक्सिस जो भी हमने पे किया अगर मैं यहां से उसको मेजर करने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा एंगल थीटा टू तो ये बन जाएगा एंगल थीटा टू ओके समझ में आ रहा है तो थीटा टू किस तरह से मिलेगा डायग्राम से या फिर डेल्टा थीटा किस तरह से मिलेगा डेल्टा थीटा मुझे मिल जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन ठीक तो डेल्टा थीटा को थोड़ा सा साइड में रखते हैं हम डेल्टा थीटा के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे ओके okay? एक्चुअल में हो जाता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हम यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं ओके okay? ठीक तो यहाँ पे देखना एज द पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कल इट्स एंगुलर पोजीशन थीटा चेंजेस यस एंगुलर पोजीशन थीटा पहले थीटा 1 था वो बना थीटा 2 मतलब क्या तो मैं यहाँ पे P और P के कोऑर्डिनेट्स दे सकता हूँ P का कोऑर्डिनेट इनिशियली कितना था उसका रेडियस R था और एंगल कितना था थीटा था अब कितना बन रहा है बेटा P का तो उसका रेडियस R है और यहाँ पे उसका एंगुलर पोजीशन बनेगा थीटा प्लस थीटा तो थीटा डैश कितना मिलेगा मुझे थीटा माइनस सॉरी थीटा वन ठीक तो थीटा टू मिलेगा थीटा टू डेल्टा थीटा प्लस थीटा वन तो थीटा वन है थीटा और ये है डेल्टा थीटा ओके तो थीटा टू मुझे मिल जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा तो यहाँ पे मुझे उसका एंगुलर पोजिशन मिल रहा है ओके करेक्ट बेटा तो ये है मेरा एंगुलर पोजिशन नेक्स्ट अब हम यहां पे बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब हम यहां पे एंग नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे वो रहेगा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है ये क्या है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अगर मैं ये वाला डायग्राम रेफर करने की कोशिश करूं को तो पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा रहा है है तो ये P से P से तक चल रहा है। बराबर कहां से कहां तक चल रहा है तो ये P से P डैश तक चल रहा है और ये जो डेल्टा थीटा है ना बेटा तो ये डेल्टा थीटा बन जाएगा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हम यहां पर सिंपल वाला फंडा यूज करेंगे आ, आर्क लेंथ आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल सब टू रेडियस ये हमने सीखा है बेटा एंगल सब टेंडेड इंटू रेडियस तो आर्क लेंथ कितना बन रहा है तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो डेल्टा एस आर्क लेंथ कितना बन रहा है अपना पी से पीड एस तक मैं यहाँ पे सोच रहा हूं तो आर्क लेंथ कितना बनेगा डेल्टा एस ठीक और रेडियस कितना है मेरे पास आर आर्क लेंथ है डेल्टा एस रेडियस कितना है एंगल है मेरा डेल्टा थीटा और रेडियस है आर तो यहां से मुझे डेल्टा थीटा मिल जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर ठीक तो मैं यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकता हूं वो मैं यहां पे लिख सकता हूं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस सिंपल वाला है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस तो ये होता है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है बेटा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एंगल है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा रेडियन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा रेडियन में, में. में ठीक तो कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है वो कौन सी चीजें बेटा तो पाए रेडियन इज इक्वल टू वन डिग्री ठीक है पाए रेडियन इज इक्वल टू वन डिग्री तो मैं यहां पे वन डिग्री वन रेडियन ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं वन रेडियन इज इक्वल टू वन एटी डिवाइडेड बाय पाए या फिर वन डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई वन एटी कुछ इस तरह से ओके okay? ठीक समझ में आ रहा है तो ये दो कन्वर्जन फैक्टर भी हमें याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या चेंज इन एंगुलर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकता हूँ नहीं ये नहीं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक चेंज इन एंगुलर Change नॉट angular चेंज इन एंगुलर पोजिशन इज angular डिस्प्लेसमेंट ठीक समझ में आ रहा है तो ये बना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन एंगुलर पोजिशन चेंज इन एंगुलर पोजिशन सिंपल टर्म में चेंज इन एंगुलर पोजिशन इज कॉल्ड एज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके बेटा तो ये कुछ इस तरह से रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला मुझे याद रखना है जो कि हमने ऑलरेडी सीखा है ठीक नेक्स्ट अब हम यहां पे बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी तो सबसे पहले समझ लेना एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ये डब्ल्यू इसे ही कहा जाएगा ओमेगा इसे ही कहा जाएगा ओमेगा ठीक ओमेगा समझ में आ रहा है तो ये क्या है बेटा मेरा ये है मेरा ओ मेघा ठीक तो ये है ओमेगा दैट इज इज डब्ल्यू दिस द द सिंबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अब मैं यहां पे बोल सकता हूं ठीक एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता हो है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहां पे लिख सकता हूं रेट ऑफ change of angular displacement rate of change of angular displacement with respect to time angular displacement with respect to time ठीक है तो देखना कुछ इस तरह से हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ठीक है डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल चेंज होता है डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा चेंज चेंज हमेशा हम फाइनल के ऊपर लेते हैं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टी एफ माइनस टी आई तो ये कुछ सिंपल इस तरह से मुझे डेफिनेशन मिलेगा इसका यूनिट क्या रहेगा इसका ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकेंड ठीक इसके डायमेंशन देखना है रेडियन के कुछ डायमेंशन होते नहीं है तो इसके डायमेंशन बनेंगे बेटा जीरो इन मास जीरो इन लेंथ माइनस इन टाइम ठीक एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन यहाँ पे देखना क्या बन रहे बेटा रेडियन पर सेकेंड डायमेंशन एम जीरो एल जीरो माइनस वन कुछ इस तरह से बनेंगे ओके बहुत बार हमें कंफ्यूज किया जाता है बहुत बार मुझे दिया जाता है आरपीएम पी रिवोल्यूशन पर मिनट या फिर रिवोल्यूशन पर सेकेंड तो ये सारी चीजें हमें भी याद रखनी अभी सिर्फ याद रखना कि एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ओके ठीक है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यही फॉर्मूला होता है एक्चुअली ये जो फॉर्म्य है दिस इज नथिंग बट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यही फॉर्मूला है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सो ओमेगा एवरेज

तो मुझे मिल जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इन दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ठीक तो इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला देखना डी थीटा बाय डीटी होता है और एवरेज का फॉर्मूला देखना डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एवरेज का फॉर्मूला देखना डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ओके तो ये वेलोसिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा डायरेक्शन के लिए हम कॉर्क स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं या फिर हम राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं देखना जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट uh, वेक्टर चल रहा है अगर उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दू तो मुझे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा हम उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले सिर्फ याद रखना हमें राइट हैंड थम रूल यूज करना है या फिर कॉर्क स्क्रू रूल यूज करना है जहां पे मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी या फिर डायरेक्शन मिलेगा ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन देखना टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन और कंप्लीट वन सर्कल उसे कहा जाता है टाइम पीरियड ठीक है तो अब कुछ चीजें यहां पे समझ लेना एक टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं हम तो ये सर्कल सपोज करना कि ऑब्जेक्ट में रहा या फिर पार्टिकल में रहा यहां से निकला है और यहां पे वापस आ चुका है उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया उसने कितना सर्कल कंप्लीट कर लिया बेटा एक सर्कल तो ये जो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है ना तो उसे कहा जाता है टाइम पीरियड ठीक तो उसे कहा जाता है टाइम पीरियड टाइम पीरियड रहेगा अपना कैपिटल टी ठीक तो कुछ चीजें एक टाइम पीरियड में कितना एंगल कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट एक टाइम पीरियड में एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना एंगल कवर करेगा तो एंगल कवर करेगा 360 डिग्री या फिर टू पाए तो हम उसे रेडियन में लेने की कोशिश करेंगे एंगल कवर्ड इन वन टाइम पीरियड कितना है एंगल कवर्ड एंगल कवर्ड इन वन टाइम पीरियड दैट इज गोइंग टू बी टू पा दैट इज गोइंग टू बी टू पा एंगल कवर्ड एंगल कवर्ड इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाए तो यह क्या है बेटा तो उसने आ, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या फिर उसने एंगल कितना कवर कर लिया तो एंगल कितना कवर कर रहे हैं वो टू पाए अगर मैं यहां पर बात करूं फॉर एंड रिवोल्यूशन कैपिटल एंड रिवोल्यूशन एंगल कवर्ड अगर वो एन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो देखना एंगल कवर्ड इन वन टाइम पीरियड तो यहाँ पे N कितना हो जाएगा बेटा तो वो हो जाएगा टू पाएन वो कितना हो जाएगा टू पाई एन समझ लेना यहाँ पे ओके ठीक सिंपल वाला क्वेश्चन समझते हैं सपोज करना कि इसका टाइम पीरियड दिया गया है टू सेकेंड मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा आठ सेकंड में ठीक क्वेश्चन सिंपल वाला फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन एट सेकेंड फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन एट सेकेंड सिंपल वाला है कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो देखना दो सेकेंड में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है मेरे पास कितने आठ सेकंड ऑफ रिवोलूशन रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है और फोर रिवोल्यूशन में एंगल कितना कवर कर लिया उसने एंगल कवर्ड कितना रहेगा तो एंगल कवर्ड रहेगा बेटा टू पॉइंट फोर एंगल कवर्ड रहेगा

कितना कवर करेगा पाई रेडियन या फिर वर एटी डिग्री और जीरो पॉइंट फाइव सेकंड में कितना कवर करेगा तो वो कवर करेगा पाई बाई टू या फिर नाइनटी डिग्री ठीक है तो ये सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना सो दिस इज रिगार्डिंग द टाइम पीरियड अब दूसरा डेफिनेशन है अपने पास फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी क्या कहती है फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंट कितना फ्रीक्वेंट है तो नंबर ऑफ रिवल्यूशन कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी ठीक है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में वो कितना गोल घूम रहा है एक सेकेंड में वो कितना सर्कल कवर करने की कोशिश कर रहा है तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी सो देर इज अ रिलेशन बिट्वीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या रिलेशन है समझ लेना तो रिलेशन जो रहेगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन एन टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन एन ठीक है अब फ्रीक्वेंसी के दो सिंबल यूज करते हैं हम रोटेशनल डायनामिक्स या फिर सर्कुलर मोशन में अगर हम चलेंगे तो हम स्मॉल एन यूज करेंगे आगे जैसे हम साउंड में जाएंगे या फिर सुपर पोजिशन में जाएंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव जो कि ट्वेल्थ में रहेगा वहां पे भी हम एन यूज करेंगे एसी सर्किट में देखा जाए अल्टरनेटिंग करंट ये जो चैप्टर ट्वेल्थ में रहेगा वहां पे हम क्या एफ यूज करने वाले ड्यूएल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर ये वाले चैप्टर में हम सिंबल यूज करेंगे न्यू तो वो भी फ्रीक्वेंसी होता है तो अलग अलग सिंबल है अलग अलग चैप्टर में यूज किया जाते हैं तो ये सिंपल वाला तरीका है बेटा देखना सिम्बॉल है सिंबॉल कभी भी यूनिवर्सल होता नहीं है सिंबॉल को ऑब्जर्वर या फिर जो भी कोई लिख रहा है ना वो डिफाइन करता है समझ में आ रहा है तो याद रखना कभी एन यूज करेंगे कभी एफ यूज करेंगे कभी और कुछ दूसरा सिंबल यूज करेंगे ठीक तो ये रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट वैसे देखा जाए तो हर्ट्स होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखा जाए तो हर्ट्स और उसका जो डायमेंशन रहेगा ठीक है उसका अगर डायमेंशन रहेगा तो वो रहेगा एम जीरो एल जीरोस टू माइनस वन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन

कि ऑब्जेक्ट चल रहा है अपना कुछ इस सर्कल में ऑब्जेक्ट निकला ए से ऑब्जेक्ट निकला ए से वापस आया ए तक ऑब्जेक्ट निकला ए से वापस आया ए तक ठीक तो इसका टाइम कितना होगा अगर वो ए से निकला है वापस ए तक आ रहा है तो उसके पास टाइम रहेगा उसका टाइम पीरियड टाइम कितना रहेगा कैपिटल टी ठीक अब दूसरी चीज इस टाइम ये में उसने कितना एंगल कवर किया है तो उसने एंगल कवर किया है 2 पाई एंगल कितना कवर, कितना कवर किया है उसने 2 पाई लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया है लीनियर डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस देखना बेटा अगर मैं यहां पे कैपिटल r रेडियस मान लेता हूं सर्कल की तो उसने ये सरकमफेरेंस कवर किया है लीनियर डिस्टेंस मतलब उसने ये सरकमफेरेंस कवर किया है। तो लीनियर डिस्टेंस रहेगा मेरा 2 पाई ठीक है लीनियर डिस्टेंस कितना रहेगा मेरा टू पायर अब हम थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक तो एंगुलर वेलोसिटी बाय यूजिंग द डेफिनेशन एंगल कवर डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम ओके तो बेटा अगर वो ए से निकल के वापस ए तक आ रहा है तो वो एंगल कितना कवर कर रहा है तो एंगल कवर कर रहा है 2 एंगल कितना कवर कर रहा है वो टू पाए और उसके लिए टाइम कितना लगा 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 है टाइम लगा है है टाइम टाइम कैपिटल कैपिटल कैपिटलिटी नाउ ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी के बारे में ना व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और डिस्ट हाँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो हमने सीखा है टेन तक तो देखना इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है टू पाई डिस्टेंस कवर कर लिया है तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देता पाई डिवाइडेड बाय अब ये टाइम उसको कितना लग रहा है तो कैपिटल टी लग रहा है तो मुझे यहाँ पे वी की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू मिल जाएगी टी की वैल्यू मिलेगी टू पाई आर डिवाइडेड बाय वी टू पाई आर डिवाइडेड बाय वी तो बेटा मैं ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालने वाला हूं इसको उठाओ यहाँ पे डाल दो कैपिटल टी की वैल्यू उठाओ यहाँ पे डाल दो तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी कितना मिलेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाय टी टी की वैल्यू है टू पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय वी समझ में आ रहा है टू पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय वी तो यहाँ पे देखना तो अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा ये टू पाई मतलब होता है टू पाई डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय टू पाई आर डिवाइडेड बाय वी तो अब ये मेरा वाला तरीका मेरा वाला तरीका देखना नीचे वाला सबसे नीचे सबसे नीचे वाला उल्टी मार के पलटी करेंगे हम बराबर नीचे वाला सबसे नीचे सबसे नीचे वाला उल्टी मार के पलटी करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से टू पाई इंटू वी डिवाइडेड बाय टू पाई इंटू कैपिटल आर इंटू वन तो ये टू पाई टू पाई मर गए मेरे पास क्या बाकी रहा बेटा तो मेरे पास रहा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर मेरे पास क्या रहा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमेशा याद रखना लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है बेटा तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ओके अभी तक हमने यहां पे कितने फॉर्मूले देखे हैं हम उसे भी काउंट करने की कोशिश करते हैं समझ लेना क्योंकि आगे हम यहां पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो एक काम करते जितने भी हमने फॉर्मूले सीखे वो हम एक बार एनलिस एवरेज एंगुलर वेलॉसिटी दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डी बाय डी टी अब और एक चीज ओमेगा का हमने यहां पे भी एक्सप्रेशन ऑफटेन किया ओमेगा इज इक्वल टू टू बाय पाई

ओमेगा के मेरे पास चार फॉर्मूलेज हैं ठीक और हमने यहाँ पे क्या सीखा है तो हमने ये वाला रिलेशन भी देख लिया टू आर ओमेगा तो मैं वो वाला भी लिख देता हूँ यहाँ पे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा अब मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकता हूँगा इज इक्वल टू टू पाए बाई टी ओके ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी या फिर ओमेगा इज इक्वल टू टू पाएन ठीक तो ये कुछ इस तरह से ये वाला भी मिल जाएगा लेकिन मुझे याद तो ये रखना है ये तो बात फंडामेंटल डेफिनेशन है ठीक है समझ में आ रहा है तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो देखना कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक ठीक है एनालॉग क्लॉक है उसके पास तीन पॉइंटर होते या फिर काटे होते जिसे हम कहते हैं सेकेंड सेकेंड काटा जिसे कहते हैं उसके बाद रहेगा मिनट काटा और लास्ट में रहेगा घंटे का काटा दैट इज आवर हैंड ठीक समझ में आ रहा है तो तीन होते हैं उसमें से हमें यह पूछा गया कि आवर हैंड का क्या रहेगा तो सबसे पहले हम हर एक चीज का टाइम पीरियड समझ लेते हैं टाइम पीरियड मतलब क्या टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल ये एक चीज याद रखना टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल तो देखना अगर मैं यहां पे सेकंड हैंड के बारे में बात करूं मतलब सेकंड काटा ठीक है सेकेंड हैंड के बारे में बात करूं ठीक तो उसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है तो उसको लगता है सिक्सटी सेकेंड ठीक है फॉर सेकेंड हैंड टाइम पीरियड रहेगा सिक्सटी सेकेंड टाइम पीरियड कितना रहेगा बेटा वो सिक्सटी सेकेंड्स रहेगा अब हम यहां पे बात करेंगे मिनट हैंड मतलब उसे एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है तो मुझे लगता है सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट तो मैं उसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देता हूं तो वो रहेगा सिक्सटी इंटू सेकंड्स ठीक है तो ये रहेगा मिनट हैंड का टाइम पीरियड उसके बाद रहेगा आवर हैंड उसके बाद रहेगा आवर हैंड ओके ठीक है तो देखना आवर हैंड को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए अगर आप एनालॉग वॉच में देखोगे तो मेरे पास सिर्फ बारह ही घंटे होते हैं बराबर समझ में आ रहा है और ये जो आवर एंड रहेगा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है मतलब वो बारह घंटे कवर कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना बना तो आवर एंड का टाइम पीरियड रहेगा ट्वेल्व आवर आवर एंड का टाइम पीरियड रहेगा ट्वेल्व आवर एक चीज याद रखना टाइम पीरियड गड़बड़ मत करना आवर एंड का टाइम पीरियड कितना रहेगा ट्वेल्व आवर ठीक समझ में आ रहा है आवर एंड का टाइम पीरियड कितना रहेगा ट्वेल्व आवर ट्वेंटी आवर्स नहीं नहीं क्योंकि एनालॉग वॉच में अगर देखा जाए तो मेरे पास ट्वेल्व आवर्स ही होते बारह घंटे ही होते ठीक है तो टाइम पीरियड ऑफ द आवर कितना रहेगा ट्वेल्व आवर तो मैं अब उसको मिनट में और उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं तो ये बन जाएगा ट्वेल्व इंटू सिक्सटी मिनट सेकेंड्स में बन जाएगा ट्वेल्व इंटू सिक्सटी मिनट इंटू सिक्सटी सेकेंड ठीक है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ओके okay? समझ में आ रहा है आवर मिनट मिनट क्लियर तो ये है अपना आवर एंड हा अब ट्वेंटी फोर आवर किसका टाइम पीरियड है तो ट्वेंटी फोर आवर अर्थ के रोटेशन का है जो खुद के एक्सिस में अबाउट ओन एक्सिस अगर वो रोटेट कर रहे हैं ना तो मुझे दिन रात मिलता है बराबर समझ में आ रहा है तो एक दिन मतलब ट्वेंटी फोर आवर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ तो वो है ट्वेंटी फोर आवर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस ठीक है ठीक है तो हम यहाँ पे खुद के एक्सिस के बारे में वो खुद के साथ होते होते around the sun भी घूमते रहते, ट्वेंटी फोर आवर वो कितना होता है 24 फोर आवर तो कंफ्यूज मत होना 24 फोर इंटू सिक्स इंटू ये सेकेंड में मुझे आंसर मिल जाएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तो हमें यहाँ पे पूछा है बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हैंड, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टी तो देखना इनिशियल कितना रहेगा जीरो डिस्प्लेसमेंट रहेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना एक सर्कल में टू पाए तो डेल्टा थीटा की वैल्यू बनेगी यहां पर और ये टाइम पीरियड बनेगा टी ठीक क्योंकि वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है ठीक तो टाइम पीरियड कितना है यहाँ पीरियड कितना है अपने पास तो वो है ट्वेल्व तो कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा टू डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू 60 इंटू सिक्स ठीक है जितना हो सके उतना हम उसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा पाई डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू थ्री सिक्स डबल जीरो ठीक है इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं कोई जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की ज्यादा तो यह आंसर रहेगा मेरा रेडियन पर सेकेंड में आंसर कहां रहेगा बेटा रेडियन सेकेंड में ठीक है तो हमें यहाँ पे पूछा गया था आवर कैलकुलेट तो करने की जरूरत नहीं ऐसा भी अगर हम आंसर रख देते हो तो मार्क्स हमें मिल जाएगा कोई जरूरत नहीं है पॉइंट में कैलकुलेशन करने की नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व यूनिफॉर्मली

तो वो बन जाएगा जीरो पॉइंट एट डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू जीरो गए हैं रिवोल्यूशन मैंने बोला था ये रिवोल्यूशन वाला फंडा आया मतलब आएगी फ्रीक्वेंसी तो मुझे यहां पे एन की वैल्यू दी गई है एन की वैल्यू दी गई है स्मॉल एन की वैल्यू दी गई है लेकिन वो किस तरह से दी गई है बेटा रिवोल्यूशन पर मिनट तो उसे हम कहते हैं आर रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या है तो ये अगर हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज करें रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब आरपीएम तो एक मिनट में वो सौ चक्कर काट रहा है एक मिनट में वो कितने चक्कर काट रहा है सौ चक्कर काट रहा है तो एक सेकेंड में वो कितना काटेगा देखना एक मिनट में कितने चक्कर काट रहा है वो एक मिनट में कितने चक्कर काट रहा है सौ चक्कर तो मैं मेरा क्वेश्चन क्या है एक सेकंड में वो कितना काटेगा वो कितना काटेगा तो एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड

क्या करना पड़ेगा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 60 तो हंड्रेडेड बाई स रिवोल्यूशन पर सेकेंड ठीक है अब हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन की तरफ चल दे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन वन सेकेंड तो एक सेकंड में वो बेटा इतने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो तो यहां से मुझे मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा फाइव बाई थ्री एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन है क्या रिलेशन है तो बेटा ये वन अपॉन एन होता है तो वन डिवाइडेड बाई फाइव बाई थ्री तो ये बन जाएगा सेकेंड्स पर रिवोल्यूशन ये उल्टा होगा ना रिवोल्यूशन पर सेकेंड तो ये उल्टा होने के बाद सेकंडोल्यूशन नंबर ऑफ़ पर रिवोल्यूशन मतलब क्या तो वो टाइम पीरियड होगा एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है हम इसे बहुत जगह पे तोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं okay? ठीक है अब आगे पूछा गया है मुझे एंगुलर वेलोसिटी हाँ बेटा तो मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड मिला है तो ओमेगा निकालने में कितना टाइम लगेगा ओके okay, ठीक तो ओमेगा देखना आपका कितना होता है वो होता है टू पाई बाय टी दोनों तो ये बन जाएगा बेटा टेन पाई डिवाइडेड बाई थ्री ये बन जाएगा टेन पाई डिवाइडेड बाई थ्री तो ये आ जाएगा आंसर रेडियन पर सेकेंड ओके आंसर आ जाएगा अपना रेडियन पर सेकेंड अब मैं यहां से लीनियर भी लिख सकता हूं

Now the next question, तो पे देखना बेटा पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियसिटी सिंपल वाला क्वेश्चन है सो आर so की वैल्यू दी गई फोर ओमेगा निकालना है ट्वेंटी सॉरी ओमेगा निकालना है लीनियर वेलोसिटी दी गई है ट्वेंटी तो ओमेगा मुझे मिल जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी बाय फोर सो दैट इज गोइंग टू बी मीटर दू रेडियन पर सेकेंड नॉट मीटर पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड तो मैं यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी तो ओमेगा की जगह पे टू पाई बाई टी रखेंगे तो मुझे मिल जाएगा ये तो टी इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई फाइव तो ये उसका हो जाएगा टाइम पीरियड तो ये रहेगा सेकेंड में ठीक तो कुछ इस तरह से आ जाएगा सिंपल क्वेश्चन है

रेडियस बनेगा ठीक है तो इसका लेंथ कितना दिया गया है मुझे थ्री सेंटीमीटर ये दिया गया है थ्री सेंटीमीटर तो रेडियस बनेगा मेरा थ्री सेंटीमीटर इसको मैं लिख सकता हूं थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर अब ये क्या है सेकेंड हंड फॉर सेकेंड हैंड टाइम पीरियड कितना होता है तो वो होता है सिक्सटी सेकेंड तो अब मुझे टाइम पीरियड पता है तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाय टी तो डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय नॉट पाई तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा पाई बाय थर्टी तो ये मिला मुझे एंगुलर वेलोसिटी अब लीनियर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ आर ओमेगा आर की वैल्यू है थ्री डिवाइडेड बाय हंड्रेड और ओमेगा की वैल्यू है पाई डिवाइडेड बाय थर्टी तो ये कैंसिल हो जाएगा मुझे मिल जाएगा पाई डिवाइडेड बाय थाउजेंड पाई डिवाइडेड बाय थाउजेंड मीटर पर सेकेंड तो ये बन जाएगा मेरा लीनियर वेलोसिटी ये बन रहा है मेरा एंगुलर वेलोसिटी ओके ये सेकेंड हैंड है इसके लिए टाइम पीरियड रहेगा उसका सिक्सटी सेकेंड सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन है समझ लेना इसको तो अब हम आगे बढ़ते हैं

ये क्या हो जाएगा डी ओबेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं डी ठीक क्या लिख सकते हैं हम डीटा बाई डी टी तो ये बन जाएगा डी टू टू डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय स्क्वायर ये कितना हो जाएगा डी टूटा स्क्वायर तो ये डबल डेरिवेटिव रहेगा डिस्प्लेसमेंट का और ये सिंगल डेरिवेटिव रहेगा एंगुलर वेलोसिटी का ओके okay? तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐसा यूनिट है अपना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट क्या है इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा एम जीरोलो टी रेस टू माइनस टू क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं है ओके तो इसका डायमेंशन रहेगा एम जीरो एल जीरो टी रेस टू माइनस टू तो अगर मेरा अल्फा जीरो है अगर मेरा अल्फा जीरो है तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है देखना अगर मेरा अल्फा जीरो है तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेट टू यूनिफॉर्म तो सिंपल वाला देखना अगर अल्फा जीरो है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ चीजें अगर अल्फा जीरो है तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी तो डेल्टा टी को इस साइड भेज तो दो डेल्टा ओमेगा मिल जाएगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो और डेल्टा ओमेगा को लिख सकता हूँ ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू जीरो तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी अब हर जगह पे मेरी सेम है तो इसलिए इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन ओके ठीक अब देखना इट इज हैविंग द सेम एज दैट एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये क्या है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी मेरे एक्सियल वेक्टर होते हैं एक्सियल वैक्टर किस तरह से एक्सियल वेक्टर को भी समझ लेते हैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करने वाले सिर्फ समझ लेना कि ये कुछ सर्कल में

पार्टिकल गोल-गोल घूमने की कोशिश कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, तो हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल ठीक है समझ में आ रहा है अगर इस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ओमेगा मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा ठीक है समझ में आ रहा है अगर ये देखना इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है with respect to time. तब जाके मुझे angular acceleration मिलेगा जो वो भी रहेगा में okay? तो यहाँ पे ज़्यादा मत होना angular velocity, angular acceleration, axial vector है ठीक okay? तो देखना यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड ओके ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया है देखना A point on the rim of a disc starts circular motion from rest and after a time t it gains an angular acceleration given by 3t minus t square. ठीक तो मुझे पूछा गया है कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर two seconds. तो अल्फा दिया गया है बेटा 3t minus t square अल्फा को मैं लिख सकता हूँ d omega by dt d omega by dt which is equal to 3t minus t square अब मुझे ओमेगा निकालना है डी आगे भेज सकते हैं तो डी ओमेगा मुझे मिल जाएगा थ्री टी माइनस टी स्क्र इंटू डी टी ठीक तो अब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इससे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड तो ये बन जाएगा थ्री टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्र इंटू डी टी तो बेटा देखना ये हो जाएगा थ्री टी स्क्वेयर बाय टू माइनस टी क्यूब बाय थ्री ओके तो ये हो जाएगा मेरा डी ओमे डी ओमेगा का मुझे मिल जाएगा ओमेगा ठीक है अब मुझे क्या पूछा गया है आफ्टर टू से मतलब टी की वैल्यू रखनी टू सेकेंड माइनस टू क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री तो यह कुछ इस तरह से मिल जाएगा बेटा तो ये मिलेगा सिक्स ये मिलेगा मुझे एट बाय थ्री एट बाई थ्री मतलब ये बनेगा टू पॉइंट सिक्स सिक्स तो सिक्स माइनस टू पॉइंट सिक्स सिक्स तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा फोर थ्री थ्री ठीक है थ्री पॉइंट थ्री फोर रेडियन पर सेकेंड ये ऑलमोस्ट मिल जाएगा मुझे थ्री पॉइंट थ्री फोर रेडियन पर सेकेंड ओके ठीक कैलकुलेशन एक बार देख लेना कहीं पे मैंने गलत किया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर डाउट इंजन में वहां पे डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम है नहीं next now kinematic equation for the circular motion ab circular motion mein hum kuch alag alag equation use karne wale hai agar mera angular acceleration constant ho then we are having the kinematic equations of a circular motion to ye kis tarah se hote to yahi equation hai beta कौन से कौन से equation hai देखना। मेरे पास है v is equal to u plus at linear motion में। उसके बाद s is equal to ut plus half at square

ये जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी तो s इज नथिंग बट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैच करेगा थीटा मेरा बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर ये कितना बनेगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी ठीक ओके नेक्स्ट

तो ये वाला अलग फॉर्मूला है इसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे बाद में हम ठीक तो ये इक्वेशन हम यूज करने वाले तो देखते हैं सिंपल वाला क्वेश्चन करके व्हील ऑफ मोटर अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विच इज इक्वल टू फोर रेडियन पर सेकेंड स्कोर इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब मुझे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी गई है जीरो रेडियन पर सेकेंड तो क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी रिवोल्यूशन सेकेंड तो मुझे यहाँ पे पूछा गया है कितने रिवोल्यूशन तो देखना ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा गया है तो हम यहाँ पे लॉजिकली काम करेंगे एक चीज पता है एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है तो एक रिवोल्यूशन में एंगल कवर होता है टू पाई समझ में आ रहा है अगर मैं यहां पे एंगल कैलकुलेट कर पाऊ और उसे टू पाई से डिवाइड कर दू तो मुझे यहां पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिलेंगे सिंपल लॉजिकली करने की कोशिश करेंगे तो मुझे दिया गया है अल्फा मुझे दिया गया है एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो तो क्या कर सकते हैं तो ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी ओके टाइम भी दिया गया है ट्वेंटी सेकेंड तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क् अब जो भी चीजें दी गई है उसे हम लिख देते हैं यहां पे टाइम दिया गया है ट्वेंटी उसका स्क्वायर ओके तो ये देखना आप मेरे पास मिलेगा टू इंटू फोर हंड्रेड टू इंटू फोर हंड्रेड सो दैट इज एट हंड्रेड पाए नॉट पाए हंड्रेड रेडियन ये एंगल कितना कवर कर रहा है बेटा ये एंगल कवर कर रहा है एट हंड्रेड रीडियन टोटल एंगल अब हमें एक चीज पता है इन वन रिवोल्यूशन ठीक है इन वन रिवोल्यूशन एंगल कवर्ड कितना होता है एंगल कवर्ड होता है टू पाई मेरे पास एंगल दिया एंगल आया है मेरे पास एंगल कितना आया है बेटा 800 हंड्रेड पाए सॉरी 800 रेडियन एंगल है ठीक है तो एक्स रिवोल्यूशन मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं ठीक है एक्स रिवोल्यूशन में वो कवर करेगा एट हंड्रेड पाए सिंपल वाला तरीका क्योंकि याद रखना एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना कवर होगा टू पाए मेरे पास टोटल एंगल कितना आया एट हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू पाए ठीक समझ में आ रहा है तो यहां से मुझे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिलेंगे सो दैट इज इक्वल टू फोर्टी बाय पाए पाए नंबर है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो अब मुझे इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर मैं इसे कैलकुलेट कर दू अगर मैं इसे कैलकुलेट कर दू तो मुझे ऑलमोस्ट मिल जाएगा कंप्लीट करने की रिवोल्यूशन करेगा तो ऑलमोस्ट तेरा रिवोल्यूशन करने की कोशिश करेगा ऐसे क्वेश्चन में देखना सबसे पहले एंगल निकाल लेना लॉजिक यही है यहां पे एंगल एक रिवोल्यूशन में टूपा एंगल होता है तो कितने रिवोल्यूशन पे कितना एंगल है ये मुझे यहां से मिल जाएगा ठीक नेक्स्ट द व्हील ऑफ अ कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट क्वेश्चन को पढ़ना रेस्ट से आ रहा है मतलब ओमेगा नॉट इज गोइंग टू बी जीरो रोटेट थ्रू वन पॉइंट फाइव रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड सो टाइम टी इज इक्वल टू वन सेकेंड जब था बेटा तो उसके पास एंगल था वन पॉइंट फाइव रेडियन ठीक है फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड ठीक एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड तो काम कर लेते हैं सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से रहेगा बेटा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर तो फ्रॉम दिस डेटा में एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ थीटा है 1.5 ये है जीरो टाइम ले रहा हूं मैं वन सेकेंड इंटू अल्फा इंटू वन स्क्वेयर तो यहाँ से मुझे अल्फा मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू तो अल्फा मुझे मिलेगा यहां पे रेडियन पर स्क्वायर ठीक है तो ये इनिशियल एंगल है ये क्या है अपना इनिशियल एंगल था इनिशियल एंगल में मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन ले लिया क्योंकि यही एक्सेलरेशन आगे रहेगा यूनिफॉर्मली एक्सेरेटेड मोशन है यही एक्सेलरेशन मेरा क्या रहेगा आगे रहेगा तो फिर से मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर लेता हूँ ठीक है अब नेक्स्ट सेकेंड में देखना दैट मींस टाइम टी इज इक्वल टू टू सेकंड टाइम टी इज इक्वल टू टू कितना आया है मेरे पास थ्री और टाइम कितना है मेरे पास टू तो मर गए तो देखना मुझे मिला यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू सिक्स रेडियन सो तो थीटा टू मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट तो सेकंड में कितना एंगल रोटेट हुआ है तो ये चीज समझ लेना यहां पे डायग्राम थ्रू हम समझने की कोशिश करते तो देखना सर्कुलर मोशन में सेंटर जो होगा वो अपना ओरिजिन होगा जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितना होगा ओरिजिन तो देखना पहले एक सेकेंड में उसने कितना एंगल कवर कर लिया तो उसने ये वाला एंगल कर लिया कवर ये वाला एंगल सपोज करना यह पहले वन सेकंड में ठीक है मुझे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड तो सेकंड में इतना एंगल कवर कर रहा है दो सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा तो सेकंड में देखना दो सेकंड में आप जो भी हम मेजरमेंट करेंगे यहां से 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 इनिशियल ही करते हैं टाइम तो दो सेकंड में वो यहां से यहां, से, यहां तक एंगल कवर कर रहा है यह दो सेकंड में हमने यहां पे जो भी कैलकुलेशन किया वो दो सेकंड में किया मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड दूसरे एक सेकंड में कितना एंगल कवर कर रहा है एक चीज समझ लेना बेटा, फर्स्ट ये ये फर्स्ट मुझे यहां पे थीटा टू नहीं पूछा है मुझे पूछा है कि नेक्स्ट वन सेकंड में नेक्स्ट एक सेकंड में वो कितना कवर कर रहा है तो नेक्स्ट एक सेकंड में बेटा वो ये एंगल कवर कर रहा है ठीक ये वाला तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है नेक एंगल कवर्ड इन वन नेक्स्ट वन सेकेंड तो ये थीटा पूछा गया है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल कवर्ड एंगल कवर्ड इन नेक्स्ट वन सेकेंड इन नेक्स्ट सेकेंड तो दैट इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन थीटा टू है सिक्स थीटा वन है वन तो उसने एंगल कवर कर लिया यहां पे फोर पॉइंट एंगल कितना कवर कर लिया है उसने 4.5 रेडियन समझ लेना क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना ये अपना फाइनल आंसर है नहीं दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर ये यहाँ पे जो भी हमने ऑब्टेन किया है बेटा तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर ठीक है समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते तो अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट पार्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ लेना बेटा यहाँ पे एक सिंपल वाला डेरिवेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कुछ चीजें समझ लेना कंसिडर करना कि मेरे पास एक पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो क्या कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके पास रहेगा टाइम पीरियड टी अब मेरे पास कुछ डेटा रहेगा तो टाइम पीरियड रहेगा इसका टी ओके okay, और एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता है और एंगुलर वेलोसिटी मैं यहां पे लेने वाला हूं ओमेगा ठीक है कौन सी कौन सी चीजें मुझे पता है याद रखना मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा टाइम पीरियड है टी कुछ इस तरह से वो गोल घूमने की कोशिश कर रहा है सो आफ्टर सम टाइम इंटरवल टी तो सपोज करना कि पार्टिकल यहां पे आ चुका है सम टाइम इंटरवल टी पार्टिकल पे आ चुका है ये मेरा है एंगल विल बी आफ्टर सम टाइम टी ये क्या है बेटा सो so, कुछ टाइम पीरियड है यहाँ से यहां तक जाने के लिए तो आफ्टर सम टाइम पीरियड टी एंगल कवर्ड विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी ओके एंगल कवर्ड इक्वल टू ओमेगा इंटू क्योंकि क्यों उसके पास मेरे पास गिवन डेटा ये है मैं अब एंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो तो कर दू तो मुझे मिल जाएगा डी डी थीटा टी इज इक्वल टू ओमेगा डी डी थीटा टी इज इक्वल टू ओमेगा आप दो चीजें यहां से याद रखना डेरिवेशन में हम इसी का यूज करेंगे अब मैं यहाँ पे इसका पोजिशन वैक्टर लिख सकता हूँ पोजिशन वैक्टर रेडियस वेक्टर ये जो रहेगा अपना तो इसके दो कंपोनेंट एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा तो रेडियस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं देखना रेडियस वेक्टर वेक्टर कैन बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले लो उसका आर कॉस ओमेगा टी ओरिजेंटल डायरेक्शन में है सो दैट इज गोइंग टू बी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी वो रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन में जे कैप थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस है ये रेडियस वेक्टर है बेटा एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट तो बनेगा तो ये ओमेगा आई कैप क्या इंडिकेट कर रहा है तो आई कैप इंडिकेट कर रहा है इस कंपोनेंट का डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जे कैप इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ओके ठीक तो अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बन जाएगा डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी इज गोइंग टू बी आर डी बाई डी टी थोड़ा सा मैं एक स्टेप यहां पे लिख दूंगा आगे मैं डायरेक्टली करने वाला हूं याद रखना आई कैप प्लस आर कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी टी इंटू साइन ओवेगा टी जे कैप तो कॉस का डेरिवेटिव रहेगा माइनस साइन और ओमेगा टी यहां पे यू इंटू वी रूल यूज करना है तो वो बनेगा माइनस आर ओमेगा याद रखना यू इंटू वी रूल हमने जो सीखा था उसको यहां पे अप्लाई करना है आप लोगों को तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप ठीक है तो डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट द वेलोसिटी वेक्टर ये क्या है लीनियर वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा मुझे यहाँ पे निकालना है एक्सलेशन तो मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं देखना डीवी बाई डी टी तो फिर से मुझे यू इंटू वी रूल यूज करना है तो ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में आर ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वेर प्लस नहीं ये माइनस बनेगा बेटा कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है माइनस आर ओमेगा स्क्वेर साइन ओमेगा कैप कैप ओमेगा तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ठीक ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ए तो अब हम कुछ चीजें एडजस्ट कर लेते हैं मैं माइनस ओमेगा स्क्वेयर कॉमन कर निकाल लेता हूं ब्रैकेट में मिल जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप ठीक है तो व्हाट इज आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप तो वो है बेटा आर वेक्टर वो है बेटा आर वेक्टर तो मुझे एक एक्सेलरेशन मिल रहा है एक्सेलरेशन देखना यहाँ पे कितना मिला एक्सेलरेशन मिला माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर ठीक इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना शायद आप लोगों को ये जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं वो समझ में नहीं आए तो आप लोगों को क्या करना है बेटा आप लोगों को u इंटू वी रूल यूज करना है वो किस तरह से करते हैं देखते हैं मैं थोड़ा सा साइड में यहां पे लिख देता हूं यू नॉट यू इंटू वी रूल चेन रूल का यूज करना है तो कॉस ओमेगा टी का डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कॉस ओमेगा टी ठीक तो यहां पे लिख लेता हूं मैं वाईज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी तो मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं लेट यू इज इक्वल टू ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा तो वाई मिल जाएगा बेटा आई एम इंटरेस्टेड इन वाई बाई डी टी दिसन बी रिटर्न ये होता है अपना चेन रूल इन टू डी यू बाई डी टी ठीक है तो अब ये दो टर्म मैं यहाँ से अलग से ऑप्टेन करने की कोशिश करता हूं तो देखना डीवाई बाई डी यू dy/du तो cos का कितना आ जाएगा बेटा तो वो आता है -sin u ठीक है एंड du/dt तो वो कितना बनेगा बेटा तो वो बनेगा मेरा ओमेगा अब u की वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है मेरे पास ठीक u की वैल्यू रहेगी मेरे पास ओमेगा t एक मिनट टी यू बाई डी टी डी डी टी हा माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा यस करेक्ट किया है हमने तो देखना डी वाई बाई डी टी माइनस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी को जिस तरह से आ रहा है सो दिस इज नथिंग बट द चेन रूल ये चेन रूल का एप्लीकेशन है वो समझ लेना कॉस का डेरेविटिव देखना साइन ओमेगा टी आ रहा है साइन ओमेगा टी आ चुका है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ओमेगा से तो मुझे मिलेगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी सिमिलरली आप लोग यहाँ पे भी वही कर सकते हो ठीक है आप लोग यहां पे भी वही कर सकते हो आर ओमेगा कॉस ओबेगा टी जे क्या ओके ठीक अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर इंटरप्रिट करने की कोशिश करेंगे क्या इंटरप्रिटेशन है देखना ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर ठीक क्या मिल रहा है मुझे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर ओके तो देखना नेगेटिव साइन है नेगेटिव साइन क्या है बेटा तो ये जो एक्सेलरेशन रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है ठीक और उसे कहा जाता है acceleration. इसी acceleration को कहा जाएगा, या फिर इसे ही कहा जाएगा सेंट्रीपेटाल एक्सेलरेशन इसे क्या कहा जाएगा बेटा रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपेटाल एक्सेलरेशन अब इसका डायरेक्शन कहा होगा अब इसका डायरेक्शन कहा होगा ठीक इसका डायरेक्शन पे होगा बेटा तो देखना ये जो माइनस साइन है ये जो माइनस साइन है उससे समझ में आएगा ये माइनस साइन मतलब क्या आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में ये अपना सर्कल है सो दिस इज आवर सर्कल वेक्टर का डायरेक्शन पे है वेक्टर का डायरेक्शन अपना सेंटर से अवे है दिस इज द आर वेक्टर तो सेंट्रीपेटाल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पे होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो देखना सेंट्रीपेटाल एक्सेलरेशन विल एक्ट टूवर्ड द सेंटर ठीक तो एक्सेलरेशन 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 को हम बोलते हैं और एक्सेलरेशन, सेंटर, ठीक है समझ में आ रहा है तो देखना ये निगेटिव क्यों है क्योंकि हमने आर वेक्टर को रेफरेंस लिया है इस आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मुझे एक एक्सेलरेशन मिलेगा उसे कहा जाएगा रेडियल या फिर okay? अगर मैं बात so r, तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेर एसी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर ठीक है अब देखना ओमेगा और वी में रिलेशन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा तो ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर ये वैल्यू उठाओ यहां पे डाल देना तो एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इन टू वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर तो ये आर आर मर गए मुझे मिल गया है वी स्क्वेयर बाय आर मुझे मिल गया वी स्क्वेयर बाय आर ठीक तो ये एक्सप्रेशन रहेगा एक चीज याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मुझे एक एक्सेलरेशन मिलता है and that acceleration is called as a centripetal acceleration okay jo ki towards the center rahega towards the center rahega okay theek hai aur is acceleration ki wajah se ek force aata hai jise kaha jata hai centripetal force clear hai theek theek hai to ye hua uniform circular motion mein jo bhi acceleration aayega that is minus omega square r ya fir v square by r जिसे हम कहते हैं

और ये रहेगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है इसमें कौन सा एक्सलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा रेडियल या फिर सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन रेडियल या फिर सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन ठीक अब इसमें क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं. एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन

उसे ही रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या फिर उसे ही रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाएगा और दूसरा जो होता है दूसरा एक्सेलरेशन होता है वो होता है मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होता है मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नेट एक्सेलरेशन जो रहेगा नेट एक्सेलरेशन मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा नेट एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन a अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटी है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर 90 डिग्री तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा तो cos 90 जीरो होता है तो मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर तो एक चीज याद रखना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज सेंट्रिपेडल एक्सेलरेशन के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है सेंट्रिपेडल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमें पता है

तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस यहां पे हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्ट्यूड्रीबल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ अ फैन ब्लेड व्हिच इज 0.3 मीटर इन डायमीटर एंड रोटेटिंग एट 1200 वन पर मिनट 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट तो मुझे यहां पे दिया गया है डायमीटर तो रेडियस निकाल सकता हूं रेडियस इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 2 बाई टू इज इक्वल टू 0.15 मीटर देन आरपीएम दिया गया है एन इज इक्वल टू वन टू डबल जीरो आर तो फिर मैं इसे आर में कन्वर्ट कर सकता हूं तो ये बन जाएगा रिवोलूशन पर मिनट तो ये हो जाएगा मिनटी रिवोल्यूशन पर मिनट तो इन शॉर्ट इसकी ये फ्रीक्वेंसी दी गई है ठीक है मुझे पूछा गया सेंट्रीपेटाइल एक्सलेशन सेंट्रीपेटायल एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वेर ठीक तो ओमेगा मैं निकाल सकता हूँगा इज इक्वल टू टू पा एन स्क्वेयर आर कितना है मेरे पास जीरो पॉइंट वन फाइव ये बनेगा टू पाई एन की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी तो देखना ये जीरो पॉइंट वन फाइव इंटू फोर पा स्क्र इंटू फोर हंड्रेड इंटू फोर हंड्रेड तो ये बन जाएगा फिफ्टीन इंटू फोर इंटू फोर पाई स्क्वेयर तो ये बनेगा सिक्सटी इंटू फोर पाई स्क्वेयर तो ये बनेगा टू फोर्टी पा स्क्वेयर ठीक है तो ये मुझे मिल जाएगा फोर्टी पाई स्क्वे ओके समझ में आ रहा है तो ये कुछ इस तरह से मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल का मिल जाएगा नाउ द नेक्स्ट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ रोटेशन द रेडियस ऑफ अर्थ इज सिक्स फोर डबल जीरो किलोमीटर एंड इट टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज अबाउट इट्स एक्सिस इस 24 फोर आवर तो कुछ है नहीं मुझे एक्सेलरेशन पूछा गया है इक्वेटर के ऊपर तो एक्सेलरेशन रहेगा आर ओमेगा स्क्वायर टाइम पीरियड भी दिया गया है रेडियस दी गई है तो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो देखना सिक्स डबल जीरो किलोमीटर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मीटर में विच इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू द पावर सिक्स मीटर बन जाएगा वो टाइम पीरियड दिया गया है ट्वेंटी आवर तो वो होता है टू पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ट्वेंटी फोर आवर मतलब सिक्सटी मिनट इंटू सिक्सटी सेकेंड ये इसका स्क्वायर तो देखना बेटा इसका मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा है सो आई विल यूटिलाइज कैलकुलेटर नाउ टू सेव द टाइम सो इट इज ऑलमोस्ट टू द पावर माइनस एट और ये है टेन टू द पावर सिक्स तो मुझे मिलेगा थ्री पॉइंट पावर माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्ट मुझे मिल जाएगा थ्री पॉइंट थ्री एट इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्र ठीक है कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो अगर मैंने कहीं पे गलत कर दिया हो तो आप लोग मुझे बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम है नहीं ठीक एक काम कर लो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क यस यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं ठीक है अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम के बारे में व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम तो एक ऑब्जेक्ट ले लो एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग ले लो सपोज करना कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है एल और यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट फिक्स करके रख रहा हूं जिसका मास रहेगा M। जिसका मास रहेगा M। अब मैं इसे में वाला हूं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा तो एक काम कर लेता हूं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये बाद में लेंथ मेरा चेंज हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा होरिजेंटल सर्कल में ओके तो मतलब ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से मुझे मिलेगी ओके okay? ठीक तो ये सेंटर हो जाएगा कंफ्यूज मत होना इसीलिए मैंने अब इसको यहां पे ड्रॉ कर दिया है तो ये बनेगा एल उसका लेंथ तो एंगल मेड विद द वर्टिकल रहेगा थीटा एंगल मेड विद द वर्टिकल कितना रहेगा बेटा थीटा रहेगा समझ लेना एंगल मेड विद द वर्टिकल थीटा मैं इस तरह से घुमा रहा हूं आप लोग देख सकते हो बड्डे वाला टोपी बन गया तो कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन प्लेन प्लेन में में कहां पे कर रहा है ये तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है मास ये बॉब होता है उसका तो समझ लेना तो मास रहेगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी ओके टेंशन इन द स्ट्रिंग रहेगा कुछ इस तरह से टेंशन इन द स्ट्रिंग टी अब देखना इस टेंशन के दो टुकड़े होने वाले एक टुकड़ा बनेगा कॉस थीटा एक टुकड़ा बनेगा साइन थीटा तो एक टुकड़ा बनेगा कुछ इस तरह से एक टुकड़ा बनेगा कुछ इस तरह से ठीक है अब यह ऐसा क्यू बना वो भी समझ लेते हैं ये वेक्टर है ये टेंशन वेक्टर है तो देखना इसको हम किस तरह से ऑप्टेन कर सकते हैं यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो ये वाला कुछ इस तरह से बनेगा ये वाला कुछ इस तरह से बनेगा बराबर तो एक कंपोनेंट वर्टिकल, एक कंपोनेंट 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 तो एक vertical, एक वर्टिकल, तो तो बैलेंस तो तो को करने वाला है टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स टी साइन थीटा को बैलेंस कौन करेगा बेटा यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स ठीक क्योंकि टी साइन थीटा और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है मुझे तो वो बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे टी साइन थीटा बैलेंस विद द सेंट्रीपेटल फोर्स एफ सी तो देखना फोर्स क्या होता है मास इंटो एक्सेलरेशन बराबर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है एम वी स्क्वे बाय आर एक्सेलरेशन रहेगा अपना एम वी तो रहेगा उसका रेडियस so part टू पे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी तो एफ सी की वैल्यू लिख सकता हूं मैं दैट इज गोइंग टू बी दी स्क्वेयर बाय आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वेयर कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे टाइम पीरियड निकालना मुझे क्या निकालना है यहाँ पे Time period of the conical pendulum निकालना ठीक है थीके? तो 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 मुझे मिला इन तो इन दोनों का ले theta, इन दोनों का का ले लेते हैं बेटा गड़बड़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी तो यहाँ पे एम mm एम मर गए टी टी मर गए ओके अब मैं साइन थीटा को रिप्लेस करने वाला हूं डायग्राम से देखना साइन थीटा रेडियस बाय हाइपोटेनियस डायग्राम से क्या मिलेगा रेडियस बाय हाइपोटेनियस तो ये बनेगा रेडियस आर डिडेड बाई जी आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी तो यहां से आर यहां से आर कैंसिल ये एल नीचे चला जाएगा तो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा वन डिवाइडेड बाय एल थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय जी ठीक है तो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू मिल जाएगी जी डिवाइडेड बाई एल ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी डिड बाई एल पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं देखना तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है टू पाई बाई टी विच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मुझे यहां पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो टाइम पीरियड मुझे मिल जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ

ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर मोशन इन प्लेन जहां पे हमने सर्कुलर मोशन टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन व्हाट इज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके बाद हमने वहां पे कौन से कौन से एक्सेलरेशन आते ये भी देख लिया और हमने यहां एक सिंपल डेरिवेशन कोनिकल पेंडुलम का ऑप्टेन करने की कोशिश की ठीक है तो तब तक के लिए थैंक यू बेटा अगले लेक्चर में मिलते हैं धन्यवाद